बिज़बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और घिसी पिटी खबरों को देखें मजेदार कहानियों में। बस सितंबर 2022 की तो बात थी जब बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली छलांग पर छलांग मार के आगे बढ़ रहे थे, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी उनकी सफलता के बीच एक लौता रोड़े को तोड़ दिया। बीसीसीआई अधिकारी लगातार 3 साल के 2 कार्यकाल कर सकते हैं, अपने स्टेट एसोसिएशन में पद पर रहने के तुरंत बाद भी। अपने पहले 3 साल के कार्यकाल में गांगुली 30 से ज्यादा ब्रांड की एड्स करी, जिससे उनकी दौलत कथित तौर पर 220 करोड़ से बढ़कर 365 करोड़ हुई। फिर से इलेक्शन की दहलीज पे दादा को वो काले बादल मंडराते नजर नहीं आए जो उन पर डकवत लुइस करने वाले थे। कुछ ही हफ्ते बाद 6 अक्टूबर 2020 की आधी रात को भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों की मीटिंग दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई, ये तय करने के लिए कि बीसीसीआई का अगला लीडर कौन बनेगा। मीटिंग शुरू होते ही बीसीसीआई के पूर्व प्रेसिडेंट एन श्रीनिवासन गांगुली का बैंड बजाना शुरू किया। इतिहास में कभी तुम्हारे जैसा अध्यक्ष नहीं रहा जिसने सिर्फ अपना फायदा देखा, भारतीय क्रिकेट का नहीं। और गांगुली के पैरों तले जमीन खिसक जाए ऐसी धमकी दी, कोई चांस नहीं कि हमारे ग्रुप से कोई तुम्हारा सपोर्ट करेगा। ये सोचकर कि अमित शाह तो उनके साथ थे, गांगुली ने उनसे अपील की, अमित जी ये ऐसे कैसे कह सकते हैं? लेकिन तीसरे अंपायर अमित शाह की चुप्पी के शोर से गांगुली बहुत चक्के रह गए। दरअसल गांगुली ने खुद ही अपने विरोधियों को अपना पत्ता साफ करने का मौका दिया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी हित के टकराव के बादल में आकर। एक तो वो प्रेसिडेंट बनने के बाद भी ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप माई 11 सर्कल का एड्स करते रहे, ये है धागा का वाद, भले ही वो आईपीएल के ऑफिशियल स्पॉन्सर ड्रीम 11 का सीधा प्रतिद्वंदी था। हालांकि ये सुनने में नैतिक रूप से खौलता होगा, पर सीधा टकराव तभी होता जब वो माई 11 सर्कल को बीसीसीआई से जोड़ते, जो उन्होंने नहीं किया। फिर जब मद्रास हाईकोर्ट ने गांगुली को इन ऐप से जुआ को बढ़ावा देने के लिए नोटिस मारा, बहुतों ने उन्हें बोर्ड को बदनाम करने का दोषी ठहराया। इससे भी बड़ी चूक चमकी जब वो आईपीएल क्लब एटी के मोहन बगान के डायरेक्टर बने रहे, जब तक कि इसके मालिक संजीव गोयनका लखनऊ आईपीएल टीम सुपर जायंट को खरीदने की बोली जीती। कुछ झोल होने के सवाल उठे, क्या उन्हें डायरेक्टर पद से नीचे उतरना नहीं चाहिए था जैसे ही गोयनका टीम खरीदने के लिए आगे बढ़े? हालांकि ये जरूर है कि गोयनका ने टीम के लिए छप्पर फाड़ के 7,090 करोड़ रुपए दिए, अनुमान से कहीं ज्यादा, इसीलिए पक्षपात का आरोप लगाना गलत होगा। दूसरा, जेएसडब्ल्यू सीमेंट की कंपनी जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स दिल्ली कैपिटल्स का आधा मालिक है, जिसके एम्बेसडर गांगुली ही थे। फिर हुई ना वो कॉन्फ्लिक्ट वाली बात, क्योंकि गांगुली पहले से ही इस टीम के सलाहकार रह चुके थे। पर दोगलापन तो गांगुली पर आरोप लगाने वाले श्रीनिवासन का भी है, जो खुद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के घेरे में आज भी बंधे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में उन्हें बीसीसीआई का चुनाव लड़ने से रोका, क्योंकि वो एक ही समय पर बीसीसीआई अध्यक्ष भी थे और उनकी कंपनी इंडिया सीमेंट्स आईपीएल टीम सीएसके के मालिक भी, खुद पद के लिए लड़ने से अक्षम उन्होंने अपने करीबी सहयोगी ब्रिजेश पटेल, भारत के पूर्व बल्लेबाज को 2019 में बीसीसीआई प्रेसिडेंट बनाने की कोशिश करी थी। लेकिन गांगुली अचानक आखिरी वक्त पर आसमान से टपक कर आगे निकल गए और ब्रिजेश से बाजी मारी। उस समय हुआ ऐसे कि देर रात धड़ाधड़ कॉल किए गए अनुराग ठाकुर और हिमांत बिस्वा शर्मा से अमित शाह को, और उन्हें गांगुली की साइड लेने के लिए राजी किया गया। प्रेसिडेंट हुए कि मार्च 2020 में गांगुली की दादागिरी शुरू हुई, श्रीनिवासन के आदमी शिवरामा कृष्णन को चीफ सिलेक्टर बनने से रोका और अपने खास सुनील जोशी को कुर्सी पर बैठाया। आग बबूला श्रीनिवासन इन अपमानों को कभी भूला नहीं और उन्हें मौका मिला जब गांगुली की अपनी नाकामियां सामने आई। जैसे कि गांगुली का टीम इंडिया सिलेक्शन की बैठकों में रहने का क्या काम, और भले ही उन्होंने सीधे तौर पर दखल नहीं दिया हो, सिलेक्टर उनकी मौजूदगी से भयभीत हुए। दादा आपकी क्या राय है? बताया गया कि सलाह पूछने पर गांगुली नकचड़े बन जाते। देखो, मैंने भारत के लिए 424 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। उनका खिलाड़ियों के साथ भी रिश्ता बिगड़ता गया, खासकर कप्तानी पर कोहली के साथ हुई बहस के बाद। रिद्धिमान साह की गांगुली के बारे में सार्वजनिक निराशा टेस्ट टीम से बाहर किए जाने पर
उनके नाम पर और कलंक डाला। उन्होंने मुझे टेस्ट टीम में रखने का विश्वास दिलाया था जब तक कि वो बीसीसीआई प्रेसिडेंट रहेंगे। फिर गांगुली ने कथित तौर पर पत्रकार बोरिया मजुमदार को शाह को धमकी देने के आरोप में उनका बैन कम करवाया, क्योंकि अनुभवी रिपोर्टर उनका करीबी है और बीसीसीआई में एक नई सोच की नेतृत्व लाने के बजाय वो पुराने अधिकारियों की तरफ पेश आने लगे। गांगुली का बतौर प्रेसिडेंट प्रदर्शन भी बूढ़े घिसे पिटे स्टाइल का रहा। सभी पापों का प्रायश्चित हो सकता अगर गांगुली भाजपा में शामिल होकर अमित शाह का एहसान लौटाते, या कम से कम 2021 के बंगाल विधानसभा चुनौती में पार्टी का प्रचार करते, मगर दादा दोनों ही नहीं किए। कोई संयोग नहीं था कि जब अमित शाह बंगाल में भाजपा का अभियान के किक ऑफ देने आए, सौरव अस्पताल में एंजियोप्लास्टी करवा रहे थे। गांगुली के बजाय भाजपा को बॉलीवुड सितारे मिथुन चक्रवर्ती को स्टार प्रचारक बनाना पड़ा, एक चाल जो फ्लॉप हुई पार्टी की हार से। जब शाह गांगुली और उनके परिवार के साथ डिनर करने आए, अफवाहें का बाजार गर्म हुआ था। तो फिर मिलाओगे हाथ? लेकिन अगले ही दिन एक प्राइवेट अस्पताल के उद्घाटन में गांगुली ममता बनर्जी की ओर तारीफ के पुले बांधे। मैंने इस संस्था को बनाने में उनसे मदद मांगी और उन्होंने मेरा सम्मान किया। बंगाल का राजकुमार बंगाल की रानी के खिलाफ कभी नहीं जा सकता था, भले ही क्यों नहीं उनका दिल कमल के लिए धड़कता हो। दीदी ने भी अपना एहसान चुकाना चाहा और दादा को निकाले जाने के बाद पीएम से गुहार लगाई। सौरव हमारा गौरव है, माननीय पीएम जी से मेरी विनम्र विनती है उन्हें आईसीसी चुनाव लड़ने की इजाजत दी जाए। एक पद जिसकी गांगुली ने भी मांग की थी, गर्म बहस के दौरान एक दूसरी मीटिंग में जो मुंबई के ट्राइडेंट होटल में 10 अक्टूबर के दिन हुई थी। लेकिन उसे एक निचला पद आईपीएल चेयरमैन का ऑफर किया गया, ये जानते हुए कि वो मानेगा नहीं। मेरा इतना अपमान, मुझे आईसीसी चेयरमैन पद से कुछ कम नहीं चलेगा। इतनी बुरी बैंड बजी कि गांगुली को अगले प्रेसिडेंट नामित करने का मौका भी नहीं दिया गया, जैसे परंपरा होती आई है। फिर श्रीनिवासन समझौते के तौर पर अपनी टोपी से रॉजर बिनी का नाम निकाला, जो प्रशासन में इकलौते रिटायर्ड क्रिकेटर बचे थे। इकलौते अगर आप खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की गिनती ना करें, जिन्हें एक रणजी ट्रॉफी मैच खिलाया गया सिर्फ इसलिए ताकि वे बीसीसीआई की जूनियर सिलेक्शन कमेटी में घुसने के काबिल बने। अमित शाह के बेटे जय शाह को प्रेसिडेंट बनाने की भी चर्चा हुई, लेकिन प्रस्ताव वापस ले लिया भाई भतीजेवाद के आरोपों के डर से। सभी नाम तय होने के बाद एक निराश गांगुली ट्राइडेंट की मीटिंग से निकलने वाले आखिरी व्यक्ति थे। बीसीसीआई ने बाद में औपचारिक रूप से इनकार किया कि गांगुली के साथ कुछ गलत बीती। देखिए, किसी भी बीसीसीआई प्रेसिडेंट का कार्यकाल 3 साल से ज्यादा नहीं रहा, ये सब की कुछ लोग उनके खिलाफ थे, सब बेबुनियाद बकवास है। शाह बाप बेटे की जोड़ी अब भारतीय क्रिकेट की डोरी पूरी तरह अपने हाथ लिए हुए है और मोतेरा का नया नरेंद्र मोदी स्टेडियम सारे बड़े मैचों की मेजबानी करके देश का क्रिकेट हेडक्वार्टर्स बन चुका है। अब सांसद और विधायक एक बार फिर से बीसीसीआई के सत्ता के गलियारों में घुस सकेंगे। जब से सुप्रीम कोर्ट अपने पिछले आदेश को बदला जो इन्हें रोक के रखा था, चकना चूर करते हुए लोधा कमेटी की सिफारिशों को, बीसीसीआई का फुल फॉर्म अब बन चुका भाजपा कंट्रोल ओवर क्रिकेट इन इंडिया, कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला को छोड़कर जो हर पार्टी के दोस्त थे। सोने के अंडे देने वाली चिड़िया जैसी भारतीय क्रिकेट प्रशासन कई बादशाहों का राज देखे हैं। जगमोहन दालमिया 1990 के दशक और 2000 के शुरुआती सालों में, शरद पवार 2000 के दशक के बीच वाले सालों में, एन श्रीनिवासन 2011-13 तक, और अब अमित शाह पिछले कुछ सालों से। यहाँ रातों रात किस्मत पलट सकती है, जैसे हुआ तब के शक्तिशाली कृषि मंत्री शरद पवार के साथ, जो 2004 में गुमनाम रणवीर सिंह महेंद्र से चुनाव हारे एक षड्यंत्र के चलते। चुनाव के एक रात पहले अपना कार्यकाल खत्म कर रहे प्रेसिडेंट दालमिया ने पवार को दिलासा दिलाया, शरद चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। लेकिन इलेक्शन के दिन दोनों पक्षों को जब सम्मान वोट मिले तो टाई ब्रेक में दालमिया ने महेंद्र का साथ दिया। इस चलावे को याद करते हुए पवार ने एक बार बताया, इससे तो विधानसभा या लोकसभा चुनाव जीतना आसान है, क्योंकि हम आम वोटर पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन क्रिकेट अधिकारियों पर नहीं। दालमिया के चेले गांगुली खुद आखिरी समय पर ऐसे ही चाल से बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने
लेकिन दूसरी बार ठीक वही तरह से मात खा गए। बीसीसीआई के 94 साल के इतिहास में कम से कम गांगुली ने एक सिलसिला तो शुरू किया, ये कि बीसीसीआई प्रेसिडेंट का पद कोई क्रिकेटर चलाए। जो आगे बढ़ेगा रॉजर बिनी के साथ, कपिल देव की 1983 डेविल्स टीम का हिस्सा, जिन सब ने भारत को अपना पहला एक दिवसीय कप जिताया। वैसे विजयनगरम के महाराज कुमार 1954-56 में पहले क्रिकेटर प्रेसिडेंट थे, हालांकि वो क्रिकेटर कम राजनेता ज्यादा थे। शायद गांगुली बीसीसीआई में सत्ता के भूखे दलालों पर नजर नहीं रख पाए, जो हमेशा पीठ पीछे साजिश रचाते रहते हैं। जो कोई भी बीसीसीआई का ताज पहनता है, उसे किंग हेनरी फोर्थ की विलियम शेक्सपियर के इसी नाम के नाटक की कहावत याद रखनी चाहिए, जिसके सर पर ताज रहेगा उसका कल ना आज रहेगा। बिस्बो की शायरी, सौरव गांगुली के सर से छिन गया देखिए ताज, कुर्सी के खेल के पीछे छिपे जाने कितने राज, बीसीसीआई से हो रही विवाद पर सबका दर्द है फूटा, दादा ने कहा गैरों में कहां दम, मुझे तो अपनों ने ही लूटा। हमारे वीडियो कंटेंट की सोर्सेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे।